भूकंप के झटकों ने जापान को हिला कर रख दिया। ये भूकंप इतना जोरदार था कि चलती हुई बुलेट ट्रेन भी अपनी पटरी से नीचे उतर गई। इस दौरान ट्रेन में करीब 100 यात्री सवार थे। हालांकि किसी के भी चोटिल होने की खबर नहीं है। जापान में आए भूकंप के रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.3 मापी गई है। जापान के समय के अनुसार यह भूकंप 16 मार्च की रात को 11:30 बजे आया था। भूकंप का केंद्र राजधानी टोक्यो से 297 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बताया गया है। भूकंप की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 88 लोग घायल हुए हैं। जापान के मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र समुद्र से 60 किलोमीटर की गहराई में था। जापान के मियागी और फुकुशिमा प्रांत में भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए। दोनों प्रांत में लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई। फुकुशिमा में ही भूकंप के चलते 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं भूकंप के बाद जापान की राजधानी टोक्यो में 20 लाख घरों में अंधेरा छा गया। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हवाले से न्यूज एजेंसी AFP ने बताया कि भूकंप के बाद टोक्यो अंधेरे में डूब गया। अब जापान के मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसने जापान के लोगों को एक बार फिर 2011 में आए भूकंप की याद दिला दी। दरअसल 11 मार्च 2011 को जापान में रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। इसके बाद जापान में आई सुनामी ने हजारों जिंदगियां ले ली थी। इस भूकंप में जापान के 18,000 लोगों की मौत हुई थी। वहीं जापान के बाद ईरान में भी भूकंप आया है। ईरान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र धरती से 10 किलोमीटर गहराई में बताया गया है। हालांकि भूकंप से ईरान में किसी जानमाल की खबर नहीं है। इसके अलावा 16 मार्च की रात को भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रात करीब 9:30 बजे भूकंप महसूस किया गया। यह कश्मीर के श्रीनगर से 119 किलोमीटर उत्तर में महसूस किया गया। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता सिर्फ 4.2 मापी गई है। इस दौरान किसी के जानमाल की खबर नहीं है। अब बात आती है कि रिक्टर स्केल से कैसे पता चलता है कि भूकंप ने कितनी तबाही मचाई है। दरअसल रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है जो कि बताता है कि भूकंप कितना ताकतवर है। आपको बता दें कि 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर फर्नीचर हिल सकते हैं, जबकि 6 से 6.9 रिक्टर स्केल आने पर दीवारों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर बिल्डिंगें गिर जाती है और जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8 से 8.9 के रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर पुल तक धराशायी हो जाते हैं और 9 से ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप के आने पर भयंकर तबाही मचती है। यहाँ तक कि सुनामी आने की भी प्रबल आशंका बनी रहती है। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल अपने पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है।